एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा आप लोगों को टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें मैंने कई सारी वीडियोज आप लोगों को दे रखी है। तो आज मैं आप लोगों को टैली में ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि टैली में ग्रुप्स पहले से अवेलेबल होते हैं, जिसमें 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप कह सकते हैं। टोटल 28 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हमें रिक्वायरमेंट है एक नए ग्रुप बनाने की, तो उसको हम कैसे टैली में बनाते हैं, ये चलते हैं हम टैली में देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। तथा चैनल पर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आ चुके हैं टैली प्राइम के मेन विंडो पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रुप रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, उनको हम कहां से देखते हैं। आज हम जानेंगे कि हम ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन विंडो पर गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स मेन्यू है, उसके अंतर्गत क्रिएट है। क्रिएट से हम कोई भी मास्टर क्रिएट करते हैं, अल्टर से हम उसमें सुधार करते हैं, या डिलीट करना होता है तो भी हम अल्टर के माध्यम से जाकर के ही डिलीट करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से हम मास्टर्स को देखते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया और हमने यहाँ से जाकर के आपको सारे ग्रुप्स को दिखाया। ये 28 ग्रुप्स हैं, इसको अगर हम विद प्राइमरी एंड सब ग्रुप के माध्यम से देखना चाहते हैं, एक साथ लिस्टिंग करना चाहते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो यहाँ हम ऑल आइटम्स पर करेंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ 15 आपके हैं प्राइमरी ग्रुप और यहाँ 13 आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं या सब ग्रुप कह सकते हैं, जो इन्हीं प्राइमरी ग्रुप्स के अंतर्गत बने होते हैं, इसलिए इसको हम सब ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं, ये कुल 28 ग्रुप्स होते हैं। तो ये तो था ग्रुप को देखना। जो हमारे पास प्री डिफाइंड ग्रुप प्रेजेंट है उसको हमने यहाँ से देख लिया। अगर हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, यहाँ से स्केप करते हुए बैक आ जाएंगे, स्टेप बैक आते हैं और फिर हम क्रिएट पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें मास्टर क्रिएट करना है। तो क्रिएट पर क्लिक करते हैं और आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत ग्रुप है। हालांकि ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट है ग्रुप क्रिएशन का, तो उसे हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ ग्रुप्स पर चले जाते हैं और ग्रुप क्रिएशन की विंडो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारा इंस्टीट्यूशन है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसकी कई सारी शाखाएं हैं, उसको अगर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, अपने हेड ऑफिस के अंतर्गत सारे ग्रुप को, सारे ब्रांचेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। हालांकि इसका एक प्राइमरी ग्रुप अवेलेबल होता है जिसे ब्रांच एंड डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं KCI, एंटर करते हैं और इसे हम डाल देते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी ग्रुप अगर आपको बनाना है तो यहाँ से हम डाल देते हैं प्राइमरी में। अब ये पूछ रहा है जो ग्रुप है उसका नेचर क्या है, कोई लायबिलिटी है या एसेट्स है या इनकम है, एक्सपेंस, तो हम इसको कंपनी है तो एसेट्स में डाल देते हैं और एंटर करते हुए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ से एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक प्राइमरी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी फीचर्स आपको यहाँ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है वो अपने आवश्यकता अनुसार आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आपको एक केवल आइडिया दे रहा हूँ कि हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि ग्रुप क्रिएशन की तरह से भी हम लेजर क्रिएशन करते हैं और लेजर क्रिएशन को मैं आपको डीपली बताने वाला हूं। अब इसके अंतर्गत अगर हमें अपने किसी ब्रांच को मेंशन करना हो, जैसे KCI परशुरामपुर, एंटर करते हैं और यहां प्राइमरी की जगह जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है KCIHO का, वो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से KCIHO को हम K प्रेस करके भी पहुंच सकते हैं वहां, यहाँ पर उसको चुनते हैं। तो इस तरह से KCIHO के अंडर में आपका ये KCI परशुरामपुर मतलब एक सब ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर एंटर करते हुए हम एंटर करते आ जाते हैं नीचे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक प्राइमरी ग्रुप और एक सब ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको जो ग्रुप बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे बिल्डिंग आपका एक फिक्स एसेट्स है और फिक्स बिल्डिंग में हमें कई सारी बिल्डिंग ग्रुप बनाना चाहते हैं मगर, तो हम एक सब ग्रुप के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बिल्डिंग आपका एक फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम यहाँ इसको हम बिल्डिंग को फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत मेंशन करते हैं
इस तरह से। और यहाँ एंटर करते हुए ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, यहाँ पर हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से हम नीचे आ जाते हैं। इस तरह से हम ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हालांकि ये अलग अलग तरीके की कंपनी में अलग अलग तरीके के ग्रुप की आवश्यकता होती है, तो यदि आपको यूजेस हो ग्रुप क्रिएशन का तो इस तरह से आप जा करके ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ से देखना चाहें जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है तो हम ग्रुप पर चले जाएं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको KCI HO और KCI परशुरामपुर तथा जो फिक्स्ड एसेट्स था उसके अंदर बिल्डिंग अकाउंट ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसको मल्टीपल वे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ मल्टी अल्टर्स पर चले जाएंगे और आल आइटम्स करेंगे और आप नीचे देख पाएंगे, नीचे आ जाएंगे आप, क्योंकि 28 इधर मेंशन हो रहा है। KCI HO तो आपको यहाँ पर दिख रहा है चूँकि प्राइमरी में बढ़ गया, और जो सब ग्रुप मैंने बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, आपका एक बिल्डिंग और KCI परशुरामपुर। ये बिल्डिंग जो है फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत बना हुआ है और KCI परशुरामपुर KCI HO के अंतर्गत। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। हम बैक करके आ जाते हैं और अगर हमें ग्रुप को डिलीट करना है तो हम यहाँ अल्टर पर चले जाएं और यहाँ से ग्रुप पर चले जाएं और यहाँ से जो भी ग्रुप हमें डिलीट करना है, जैसे हमें यहाँ से एक बिल्डिंग नाम का ग्रुप मैंने बनाया है इसको अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और अल्ट के साथ डी प्रेस कर देंगे। इस तरह से एंटर करते ही आपका वो ग्रुप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं, या किसी भी मास्टर को डिलीट करना है तो अल्ट्रेशन में जा करके आप अल्ट प्लस डी प्रेस करके उस ग्रुप को या उस मास्टर को डिलीट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बिकॉज मेरी वीडियोस देखते काफ़ी लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।